जोहार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन था। आज भी सदन में कई बार व्यवधान उत्पन्न हुआ और सदन की कार्यवाही को बीच बीच में आसन द्वारा स्थगित करना पड़ा। प्रश्नकाल के तहत आज प्रश्न वर्ग 3 में चयनित विभागों यानी नगर विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग के अल्प सूचित और तारांकित प्रश्नों को मिलाकर कुल 92 प्रश्न सूचीबद्ध थे। सदन में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण इसमें से मात्र एक प्रश्न ही सदन में उत्तरित हो सका। माननीय सदस्य, आप लोगों से आग्रह है कि रोज रोज टी शर्ट पहन करके दिन भर रहना ठीक नहीं। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल को चलने दे। महोदय, लेकिन आज तक पैसा एक्ट का रेगुलेशन नहीं बना। दोनों जगह ने कहा है कि झारखंड में जो पंचायती अधिनियम के तहत जो चुनाव होने जा रहा है वो सही है, पैसा कानून को बाधित नहीं करता है। सदन को सदन की मर्यादा में रहने दे। प्रश्न आपका पुट हो गया और सभा की कार्यवाही 12:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित किया जाता है। आज शून्यकाल की कुल 22 सूचनाएं थीं और सभी को पढ़ा हुआ मानते हुए उन्हें संबंधित विभागों को भेजने का आदेश आसन से दिया गया। नियमानुसार ग्राज्य शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई और इन्हें संबंधित विभाग को भेज दी जाए। बात ध्यानाकर्षण की करें तो पिछले कार्य दिवसों से सदन से स्थगित ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को मिलाकर कुल 27 सूचनाएं आज की कार्यसूची में था, जिसमें से 3 को पढ़ा गया और उस पर सरकार का वक्तव्य लिया गया। ध्यानाकर्षण, झारखंड राज्य में हजारीबाग कोडरमा के साथ साथ राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन का मीटर नहीं लगाया गया। हम लोग जितने लोग जो है मीटर नहीं है वो सारे लोगों को मीटर लगाने की प्रक्रिया चालू है। अध्यक्ष महोदय, कराई जा रही योजनाओं में व्यापक वित्तीय अनियमितता है, घटिया कार्यस्थल, भेदभावपूर्ण रवैया, सरकारी राशि का दुरुपयोग और प्रशासनिक लापरवाही बड़े पैमाने पे की गई है। महोदय, ये मांग की गई है, ये कब तक क्या कितने दिनों में वो हम मुझे उपलब्ध कराएंगे? मांग हम लोग मंगाए। आज संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम द्वारा दामोदर घाटी निगम का वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 का वार्षिक बजट एवं पिछले 3 वित्तीय वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखा गया। वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 तक का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। साथ ही माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों नियोजन नियमावली 2022 की एक प्रति भी सभा पटल पर रखा गया। मैं झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 के कैंडिडेट 201 के तहत झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन नियमावली 2022 के प्रति सभा पटल पर रखता हूं। इसके अलावा झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत निवेदन समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन सभापति श्री उमाशंकर अकेला द्वारा सदन पटल पर किया गया। सभापति निवेदन समिति श्री उमाशंकर अकेला जी, पंचम झारखंड विधानसभा के निवेदन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। विपक्ष के सदस्यों द्वारा स्लोगन युक्त परिधान पहनकर सदन में आने के संबंध में आज माननीय अध्यक्ष द्वारा ऐसे परिधान को सदन के बाहर त्याग कर सभा में आने का नियमन दिया गया। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि विधायिका की गरिमा माननीय सदस्यों के व्यवहार और उनके विधायी कार्यों से ही बनती है। विधायिका की गरिमा के लिए सभा के सदस्यों का आचरण सर्वोपरि है, क्योंकि राज्य की 3.5 करोड़ जनता बहुत उम्मीद से विधायिका और विधायक की ओर देखती है। बहुत सारे विषय नियम कानून में नहीं होते हैं, वे हमारे व्यवहार, लोकाचार और संसदीय परंपरा से नियंत्रित होते हैं। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपना स्लोगन युक्त परिधान सभा से बाहर त्याग कर सभा के कार्य निष्पादन में आसन को सहयोग करें।
वित्तीय कार्य के तहत आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान मांगों पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान का दिन था। सदन में व्यवधान के कारण अनुदान मांग पर वाद विवाद पूरा नहीं हो सका। श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, डॉक्टर लंबोदर महतो, श्री अमित कुमार यादव एवं श्री विनोद कुमार सिंह के द्वारा अनुदान मांगों में कटौती का प्रस्ताव लाया गया था। सरकार की ओर से वाद विवाद का उत्तर प्रभारी मंत्री श्री आलमगीर आलम द्वारा दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग 81,68,91,000 रूपया प्रदान की जाए। माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुंडा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि शिक्षक की मांग 10 रूपया घटाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री के सौजन्य से और उनका सुझाव से ग्रामीण विकास के द्वारा एक नहीं अनेक योजना लाकर ग्रामीण क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए हम लोगों ने योजना बनाई। बिना शिलान्यास का काम कर सकते हैं महोदय, ये भी गलत है महोदय। संवेदक एक बार भी नहीं पूछ। पीएम जयसवाई की रोड बनकर तैयार हो जाती है तब पता चलता है कि वहाँ बन गया। 60% जो है केंद्र सरकार का है और 40% पैसा स्टेट का है। कई सदस्य का सुझाव भी आया है, निश्चित तौर पर सरकार इसको गंभीरता से लिया है कि जो मांग हमने आज रखे है तो उसको सदन से पारित किया जाए। अनुदान मांग स्वीकृत होने के पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 16 मार्च 2023 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 16 मार्च 2023 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।